हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ बहुत अच्छा फेस पैक DIY। जी हाँ, घर के इंग्रेडिएंट्स, टू इंग्रेडिएंट्स, ज्यादा झमेला वाला कुछ भी नहीं है। अवेलेबल रहता है हर समय ये इंग्रेडिएंट्स आपके घरों में, सबके घरों में। तो आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं है, फिर बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। आपको घर में बैठे ही आपको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिल जाएगा, आपके फेस पे एक नेचुरल सा ग्लो प्रोवाइड हो जाएगा। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, जी हाँ, वेडिंग सीजन शुरू ही हो चुका है समझो। आप लोग भी चाहेंगे कि आपकी स्किन जो नेचुरली ग्लो करे, नेचुरली शाइन करे। अभी सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है तो ऐसे ही स्किन डल हो जाती है, हम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं या फिर कुछ भी, तो उसकी वजह से और ज्यादा काला पड़ने लगता है फेस, या फिर डल हो जाता है बिल्कुल ही, या फिर डल हो जाता है स्किन। तो उसके लिए मैं एक मैजिकल इंग्रेडिएंट्स वाला फेस पैक लेके आई हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है वो है दूध की ऊपर की जो मलाई होती है, वो ये दूध का मलाई है। अगर आप सिर्फ फेस के लिए बना रहे हैं तो आपको एक चम्मच लेना है, अगर आपकी और भी कहीं पे लगाना है तो आप अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारा दूध के ऊपर की मलाई। मलाई एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए। नेक्स्ट हम इसमें मिक्स करेंगे पिंच ऑफ टर्मरिक। जी हाँ, बहुत 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 कम क्वांटिटी में हमें टर्मरिक लेना है, बस चुटकी भर ही लेना है, और इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, हमारा जो फेस पैक है वो बिल्कुल ही रेडी है अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने देख लिया है इस फेस पैक को बनाना कैसे है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। इसमें हमने जो मिक्स किया है सबसे पहला वो है मलाई। जी हाँ, दूध के ऊपर का जो मलाई होता है वो आपकी स्किन को क्लींजर के तौर पे भी बहुत अच्छा काम करता है, आपके पोर्स को मिनिमाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, आपके पोर्स को क्लीन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपकी स्किन पे जितनी भी डर्ट स्किन की लेयर है या फिर गंदगी, धूल, मिट्टी, सब कुछ को ये क्लीन करता है। आप इसको सिर्फ फेस पे नहीं, आप चाहे तो घुटने पे, आप चाहे तो कोहनी पे, आपकी जहां पे भी डार्कनेस है आप इसको लगा सकते हैं, अपने नेक पे लगा सकते हैं। अगर आपकी खुद की शादी होने वाली है तो आप इसको एक महीना पहले से पूरे बॉडी पे लगा सकते हैं अगर आप चाहे तो। टर्मरिक आप लोगों को पता होगा एक आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है जो बहुत सारे चीजों में हेल्प करता है। आपको कोई पिंपल है, एक्ने है, उसको ठीक करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है, ग्लो प्रोवाइड करता है। हल्दी ऐसे भी जिनकी शादी होने वाली है उनको बहुत दिन पहले से उबटन लगने लगता है, तो आपको पता ही होगा कि हल्दी कितना ज्यादा अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए। आप हेयर मास्क में भी हल्दी यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो पूरे बॉडी पे लगाइए, अगर आपकी बहुत ज्यादा टैनिंग है उस पे भी ये काम करता है, आपकी डार्क सर्कल्स को कम करता है, आपकी पिगमेंटेशन को कम करता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ब्राइटन अप करता है। तो राइट नाउ देख सकते हैं मेरे फेस पे भी कुछ भी नहीं है और मेरा फेस बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, डल हो चुका है। तो मैं राइट नाउ मैंने सिर्फ फेस वॉश करके आई हूँ, और आप मेरे आईब्रोज को इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए इस फेस पैक को हम अप्लाई करते हैं। बहुत थोड़ा थोड़ा सा लेना है और अपने फेस पे ऐसे मसाज करना है। मैंने इस फेस पैक को अप्लाई कर लिया है। आपको ऐसे ही 20 मिनट या फिर 25 मिनट भी आप रख सकते हैं, आधा घंटा भी इसको रख सकते हैं, क्योंकि ये कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी स्किन के लिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन को हार्म करे, तो आप इसको चाहें तो जितनी देर भी रख सकते हैं। आप इसको डेली यूज कर सकते हैं, दिन या फिर आप हफ्ते में दो बार कीजिए अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है तो, या फिर आपको अगर आपके पास टाइम है तो आप डेली इसको यूज कीजिए, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगी 20 से 25 मिनट के बाद, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसको वॉश करने से पहले आप थोड़ा सा हल्के हाथों से मसाज कीजिए, उसके बाद इसको वॉश कर देंगे हम ठंडे पानी से। तो मैं आपसे मिलती हूँ अब 20 से 25 मिनट के बाद। आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे 20 मिनट हो चुका है, ये बहुत अच्छे से ड्राई भी हो चुका है। तो मैं इसको
ठंडे पानी से वॉश करके आती हूँ। वॉश करने से पहले आप इसको पहले गीला करिए, उसको अच्छे से मसाज कीजिए, उसके बाद वॉश करिए। आप लोग देख सकते हैं मैंने अपना फेस को वॉश कर लिया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा एक ग्लो है स्किन पे। आपकी स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट लगेगी, शाइन करेगी एंड ग्लो प्रोवाइड हो जाएगा आपकी स्किन पे। तो आप इसको प्लीज ट्राई कीजिए। और इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं फील होगा। तो आप लोग इसको प्लीज एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल्ड्रन सी यू, बाय गाइस।